हमारे चैनल रोशनी की बात में आपका स्वागत है। आज का प्रेरक प्रसंग है भीड़ चाल। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से कहने लगे कि मुझे ये देखना है कि भीड़ चाल क्या होती है। ये सुनकर बीरबल ने कहा कि महाराज, मुझे 4 दिन का अवकाश दे, फिर मैं आपको भीड़ चाल दिखाऊंगा। बीरबल एक मोची के पास गए और कहने लगे कि हीरे मोती से जड़ित एक जूतों की जोड़ी बनानी है, लेकिन तुम उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। मोची ने हीरे मोतियों से जड़ित जूतों की सुंदर जोड़ी बनाई और बीरबल को दे दी। बीरबल ने उसे जूते बनाने की कीमत चुका दी। बीरबल ने एक जूता ले जाकर मस्जिद के अंदर फेंक दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। सुबह उठकर जब मौलवी जी ने जूता देखा तो सोचने लगे कि इतना सुंदर जूता किसका हो सकता है। मौलवी सोचने लगे कि रात को जरूर कोई फरिश्ता इबादत के लिए आया होगा, ये जूता जरूर उसका ही है। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। सब में जूता देखने की उत्सुकता थी। सब ने फरिश्ते का जूता समझकर उसको चूमा। जब बादशाह अकबर को ये बात पता चली तो उन्होंने भी उत्सुकता वश जूता मंगवाया और उसको फरिश्ते का जूता समझकर उसको चूमा। बादशाह अकबर कहने लगे कि इसको संभाल कर मस्जिद में रखवा दो। उधर बीरबल का भी 4 दिन का अवकाश समाप्त हो गया और जब वह दरबार में आया तो उसका मुंह उतरा हुआ था। बादशाह अकबर ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि मेरे घर से एक पुश्तैनी जूते का एक पैर चोरी हो गया है। बादशाह अकबर कहने लगे कि क्या दूसरा जूता तुम्हारे पास है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, और उसी समय वह जूता अकबर को दिखा दिया। जूता देखकर अकबर का सिर चकरा गया, क्योंकि यह तो उसी जूते के जैसे लग रहा था जिसे सभी फरिश्ते का जूता समझ रहे थे। अकबर ने उसी समय वह जूता मस्जिद से मंगवाया तो वह हूबहू वैसा ही था। अब बीरबल मुस्कुरा कर कहने लगे कि महाराज, आप भीड़ चाल देखना चाहते थे। यही है भीड़ चाल। ना तो मौलवी जानता था कि यह जूता किसका है, ना ही जनता जानती थी, लेकिन मौलवी ने एक अनुमान लगाया कि यह फरिश्ते का जूता है। मौलवी के पीछे पीछे जनता ने भी इसको सच्चाई का पता लगाए बिना सच माना। और जहां तक कि बादशाह सलामत, आपने भी बिना इस बात की पुष्टि किए कि यह जूता कहां से आया है, उसे बिना सोचे समझे फरिश्ते का जूता मान लिया। बादशाह अकबर, यही अविद्या है, भीड़ चाल है। जब हम बिना जांचे परखे दूसरे की कही बातों का अनुकरण करने लगते हैं, वहीं से भीड़ चाल शुरू हो जाती है। भीड़ चाल का अर्थ होता है बिना विचार किए किसी की देखा देखी काम करना या नकल करना। आशा करती हूँ कि यह प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और कमेंट लिखकर हमें अपने विचार भी जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।